सबसे बड़ी खबरों में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। लगातार देखा जाए तो आज के दिन भी कोरोना वायरस के आंकड़े सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि आज तो देखा जाए तो रिकॉर्ड को तोड़ा गया है और 24 घंटे के अंदर मुंबई में सिर्फ एक अकेले मुंबई की बात की जा रही है कि 24 घंटे के अंदर 5,185 नए केस सामने देखने को मिले हैं। देखा जाए तो आम जनता पूरी तरीके से नियमों का पालन नहीं कर रही है, इसीलिए लगातार कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। राजेश टोपे जी का मानना है कि अब बहुत जल्द फैसला लेना होगा यहाँ पे मुख्यमंत्री को, नहीं तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहेगा और इसी प्रकार आम जनता की मुसीबत अब और भी बढ़ते देखने को मिलेगा। अगर इसी प्रकार ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो महाराष्ट्र में पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगाना अब अनिवार्य किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि देश के कुछ इलाकों में कोरोना वायरस के दोहरे बदलाव वाले स्ट्रेन भी अब देखने को मिल रहे हैं और इसी प्रकार महाराष्ट्र में इस स्ट्रेन के 206 और दिल्ली में देखा जाए 9 मामलों की पूरी तरीके से पुष्टि की गई है। नागपुर में इससे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं और बता दें कि 18 राज्यों में कोरोना वायरस के कई देखा जाए तो चिंताजनक वेरिएंट पहले से मौजूद हैं। इनमें से कुछ देखा जाए तो वॉलेंटियर्स दूसरे देशों से मिले थे, मगर देखा जाए तो जीनोम सेक्वेंशन से कई राज्यों में वायरस के नए और डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स की पहचान की जा रही है। तो देखा जाए तो अब कोरोना वायरस के साथ साथ नया स्ट्रेन की बीमारी भी अब लगातार बढ़ते देखने को मिल रहा है। अगर ये बीमारी लगातार बढ़ते रहेगा तो पूरी तरीके से देखा जाए तो अब जल्द से जल्द महाराष्ट्र में पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन को लगाना अब अनिवार्य किया जाएगा। इसी में देखा जाए तो बीएमसी कमिश्नर चहल जी की तरफ से बहुत लेटेस्ट अपडेट है कि मुंबई में बढ़ते केसों को लेकर बीएमसी कमिश्नर आईएस चहल ने एनबीटी से कहा है कि डरने की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में बेड्स को और भी ज़्यादा उपलब्ध कराया जा रहा है, हम टेस्टिंग और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, वैक्सीनेशन बहुत ही ज़ोर शोर से किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द वायरस को देखा जाए चेन टूट सकेंगे और पॉजिटिविटी रेट 16% से घटकर 13.5% हो चुका है। नए मामले देखा जाए मरीजों में से 84% बिना लक्षण वाले हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए हेल्थ डिपार्टमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रही है, मगर फिर भी वही हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि आम जनता पूरी तरीके से रूल्स रेगुलेशन का पालन करते रहे। तो आज के सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सलाह दी है कि ये वो होली और देखा जाए ईद में जैसे त्योहारों को देखते हुए स्थानीय स्तर पर अपने अपने यहाँ पे पाबंदियाँ लगा सकते हैं। इस बीच देश में देखा जाए तो 47,262 नए मामले सामने देखने को मिले हैं और साल का एक दिन में आए अब तक के सबसे ज़्यादा मामले आज देखने को मिले हैं। 132 दिनों के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और इसी प्रकार 275 लोगों की मौत भी हो चुकी है और यह 83 दिनों में मरने वालों की सबसे ज़्यादा संख्या आज के दिन है। तो लगातार